हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़की को पटाने के लिए उसे कैसे इशारे करें। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, क्योंकि जब आप किसी लड़की को पसंद करते हो तो आपके मन में ये इच्छा ज़रूर होती है कि उसे कैसे पटाएं या उससे रिलेशनशिप कैसे शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे खास इशारे बताऊँगी जिनका यूज़ करने के बाद आप लड़की को जल्दी से जल्दी पटा सकते हो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इशारा है कि लड़की को एक फ्लर्टिंग इशारा करना, मतलब कि उससे बातचीत अगर आपकी होती है तो उससे एक हल्का फुल्का फ्लर्ट करना, और अगर वो आप में इंटरेस्टेड हुई, आपको मन ही मन पसंद करती है, तो वो आपके इस फ्लर्ट से समझ जाएगी कि आप उसे पटाना चाहते हो, जिससे वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि वो आपके सामने है, ठीक है, जैसे ही आपने उसे देखा तो एक प्यारी सी लाइन बोलना फ्लर्ट के ज़रिए, जैसे कि आज तुम चांद ज़मीन पर उतर आया है। इस तरीके से फ्लर्ट करने से भी आप जो है लड़की को आसानी से पटा सकते हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। अगला इशारा है जो आपको उस लड़की को करना है जिससे आप एक दो बार बात कर चुके हो। किसी अनजान लड़के पे आपको अप्लाई नहीं करना है, जैसे कि आपको उस लड़की को ये दिखाना है कि आप उसे आँख मार रहे हो, बट औरों को ये लगे कि आप बस अपनी पलकों को झुका रहे हो, बट ये लड़की वो लड़की ये समझ जाए कि आप उसे देखते ही उसे आँख मारते हो, आप मन ही मन पसंद करते हो, ठीक है। तो जब आप इशारा किसी लड़की को करोगे तो इससे कहीं ना कहीं उसके मन में आपको लेकर क्यूरियोसिटी होगी आपके बारे में जानने में। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान किसी के बारे में जानने में इंटरेस्ट रखता है, किसी के बारे में उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है, तो धीरे धीरे वो उस चीज़ से, उस इंसान से अटैच होने लगता है, ठीक है, उसके मन में उस इंसान को लेकर फीलिंग्स आने लगती है। और ये चीज़ आपको उस लड़की पर अप्लाई करनी है, ठीक है, उससे कंटिन्यू कुछ दिनों तक आपको इस तरीके के इशारे करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इशारा है वह है लड़की को देखते समय उसे फ्लाइंग किस देना, या फिर आपके हाथ में कोई बुक है या फ़ोन है तो उसे, उस लड़की को देखते समय उसको दिखाते हुए उसे किस करना, ठीक है। जब आप लड़की को ये इशारा करोगे तो उसके मन में ये चीज़ होगी कि आप उसे पसंद करते हो, आप उसके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप कंटिन्यू करोगे तो भी आप किसी लड़की को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर लड़की आपको पसंद नहीं करती है तो जब आप ये इशारा फर्स्ट टाइम ही करोगे ना, तो वो आपको वहीं पर टोक देगी या फिर आपको इग्नोर करने लगेगी, जैसे कि उसे फ्लाइंग किस करना या फिर उसे आँख मारना। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रही है, आपके इन इशारों के करने के बाद भी वो आपको देखती है, ठीक है, आपको देखने का तरह से मौका ढूंढती है, तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि धीरे धीरे आपकी गाड़ी पटरी पर आ रही है, वो आपसे इंप्रेस हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट इशारे की बात करें कि उसे देखने का टाइम फिक्स करना, मतलब कि अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो तो उस टाइम पर अगर एक टाइम आप सेट कर लो कि हाँ इस टाइम पे आप उस लड़की को देखना है, उसे नज़रें मिलानी है, उसे आई कांटेक्ट करना है, उसे देखकर हल्की फुल्की स्माइल देनी है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे उस लड़की के मन में भी आपको लेकर ये फील आने लगेगा कि वो भी आपको देखे या फिर वो एक तरह से आपका वेट करे, ठीक है, कि आप उसे कब देखते हो, इस टाइम पर आप उसे देखने के लिए बाहर आओगे या फिर उसे देखोगे, ठीक है। तो इससे भी आप किसी लड़की के मन में अपने आप को लेकर फीलिंग डाल सकते हो, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट इशारे की बात करें कि लड़की से बातचीत करते समय थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना, ठीक है, कुछ ऐसी डीप कन्वर्सेशन करना जिससे लड़की को समझ आ सके कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप उसे पसंद करते हो। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे इशारे थे जिन्हें करने के बाद आप लड़की को आसानी से पटा सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।